तो हो साना सालों सभी नाम है आमिंग और आप देख रहे मेरे YouTube चैनल आमिंग काराम। हाँ गई जैसे कि आज है पाम संडे तो सभी को हैप्पी पाम संडे। तो हम भी अभी चर्च का और जा रहे हैं जी, देख सकते हैं रेडियो के अभी व्हाइट साड़ी पहने आगे जाके अभी अपना अपना मासी अगर जाके यह का ये लेगा जो आदि कोट होता है ग्रीन कलर का है उसको हम ले लेगा क्योंकि पाम संडे में ग्रीन कलर का कोट ज़्यादा मैचिंग रहेगा। दैट्स व्हाई हम वो ग्रीन कलर का वो कोट का हम ले लेगा यहाँ से, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार होगा पहनने के लिए दिखने के लिए सबको, बाद में लुक को भी दिखा देगा। रास्ता कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अप है एंड नीचे देखा जाए तो मेरा घर है और नीचे कुछ व्यू इस तरह से आता है वो नीचे कमकर विलेज है। सो हाँ हम भी अपना जाए का घर से लुम्बू को ले लेता है इसके बाद में। हाँ गए जैसे कि अभी हम चर्च में पहुँच चुके हैं तो देख सकते हैं ये है मेरा आज का आउटफिट। तो चर्च अभी कंप्लीट खत्म भी हो चुका है, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, अभी शायद 12:30 से कुछ बच चुका है टाइम को और चर्च को दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बैठा है बाहर में संडे स्कूल, चर्च कुछ अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। हाँ गाइस अभी घर पहुँच चुका है, पसीना पसीना निकल गया, काफ़ी गर्म है आज का मौसम, इतना तो गर्म तो नहीं है जितना गुवाहाटी है लेकिन गर्म ही है। और ये कुछ ऑनलाइन सामान था जो कि मेरा कुछ आके बैठा था तो इसको भी ले लिया, कपड़ा चेंज करते इसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या है। सो वीडियो पर आके बने रहे। दो सामान ऑर्डर किया था लेकिन एक सामान मेरे साथ 2-3 दिन साथ और था लेकिन आज ही आ गया वो जो एडवांस में, ये तो एक सामान है, इसका एक और सामान है जो कि है ये प्लास्टिक का टूट गया, सो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये है मेरा लेजेंडरी चाकू, तो इसको यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो हाँ गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये है मेरा दूसरा सामान जिसको भी खोल लेते हैं एंड यहाँ पर है कुछ सामान जो कि मेरे एक्स को अभी नहीं दिखा सके क्या है लेकिन कॉस्मेटिक का ही सामान है समझ लो। सो हाँ गाइस जैसे कि अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो हम ट्राइपॉड लिया था वो ट्राइपॉड से बना रहा है और जो आवाज है वो मेरा माइक से आ रहा है, कैसा है क्वालिटी आप लोग कमेंट जरूर बता देना। मेरा माइक जो है ना ये मेरा जो नॉर्मल कैमरा ऐप होता है उसमें नहीं आ रहा था, बल्कि इसका हम ओपन कैमरा से अभी इसको चला रहे हैं, माइक को एक ऐप होता है ओपन कैमरा नाम से वहाँ से चला रहा है इसका हम अभी, और क्वालिटी को भी जरूर बता देना कि किस तरह से आ रहा है। हाँ गए जैसे कि हम बहुत पहले ये क्या कहते हैं कुछ रोलू शायद अगर गलत नहीं तो जब मुड़ी बैठने के लिए जो हम काटा था उसको भी अभी हम ये करेगा बना देगा कि उसको किस तरह से हम लोग डब्बा में डाल के किस तरह से बनाता है। सो वीडियो पर आके जैसे देख सकते हैं ऐसा होता है यहाँ पर उन लोग बैठ के अंडा को देता है मुर्गी लोग तीनती जैसे देख सकते हैं, इसको भी अंदर का जो घास फूस लोग इसको भी हम ये करना पड़ेगा अभी निकाल के उधर फेंक देगा इसके बाद उसको जला देगा। देख सकते हैं पहले का जो था ये पूरा का पूरा जल के अभी राख बन चुका है, कम ज्यादा नहीं हिलाएगा क्योंकि हिलाने से क्या होगा कि ये उड़ के ऊपर तरफ चला जाएगा जो कि बहुत रिक्स है। जैसे हम इसको ऐसा के ऐसे रखेगा और चिंता मत करो साइड साइड से आग नहीं फैलेगा क्योंकि आग भी बुझ चुका है। अभी ये कार्टून बचाते हैं, कार्टून को वापस ये डब्बा लोग वापस अपना मुर्गी घर में वापस हमको इसको पसाना पड़े। तो हाँ भाई जैसे कि सुबह को जो मुर्गी के लिए बैठने के लिए जो हम पत्ता किया था वो पत्ता का वो बॉक्स में डाल के आप लोगों को दिखाएगा कि किस किस तरह से करता है। देख सकते हैं ये है वो बक्सा और ये पत्ता लुक था, ये बॉक्स का अंदर में छोटा छोटा कीड़ा होता है जो कि बहुत काटता है बहुत खुजली होता है, देखो इसको हम धूप में सुखाया था। तो अभी वो सबको इसका अंदर में हमको डालना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम बना दिए, ये एक्टिव को ही बने क्योंकि अभी एक्टिव मुर्गी अंडा देगा तो इसको अभी अंदर में रख देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको हम लोग यहाँ में
रख देता है। तो हाँ गाइस अभी आया आया जल्दबाजी में है, कुछ ये टर्माइट्स उड़ रहे यहाँ पर, ये अभी इसका सीजन है जिसमें अभी ये टर्माइट्स अभी उड़ रहे हैं, देख सकते कुछ इस तरह से अपना घर का उठा के लेके इससे पकड़ेगा, हाथ से पकड़ने में बहुत समय लग जाता है, मछली पकड़ने के लिए बेस्ट चारा है और मछली का समय है और फटाफट उड़ जाएगा तो फटाफट करना पड़ेगा। इसका आखिर क्यों पकड़ रहा है बोलने से, क्योंकि यहाँ से हम लोग मछली पकड़ते हैं और मछली भैया का कंटेन है इसलिए ठीक से पकड़ना पड़ता है। और नीचे देख सकते किस तरह से उड़ रहा है, टर्माइट्स को पकड़ने के लिए हम लोग देख सकते हैं पूरा मच्छरदानी का पिरामिड बना के रख चुके हैं यहाँ में, यहाँ से ऊपर आके यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो रहा है क्योंकि ऊपर अभी ये उजाला है तो इन लोग उजाला का तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी काफी सारा, अभी इतना सारा तो नहीं हुआ मतलब इससे भी ज्यादा कभी कभी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ये तो कमती है, इसमें भी बहुत सारा है हर जगह बढ़ती है। तो भैया अभी निकलेगा, आप लोग देखिए किस तरह से निकलता है। तो हाँ गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी इसको अंदर लेके आ चुका है और यहाँ में देख सकते हैं हम लोग का पुराना वाला है, पुराना मतलब इतना भी पुराना तो नहीं है, करीब 5-6 दिन पुराना होगा शायद, अभी क्योंकि मर चुका है तो मर चुका लोगों को भैया अभी निकाल के रख रहा है। इसके साथ एक साथ करने से बाद में सब मर जाते हैं वो बोलते हैं। और हाँ आप लोग एक चीज़ बता देते जैसे देख सकते हैं अभी जगह जगह में उड़ रहे, तो इसको पकड़ने के सिंपल से एक फंडा है, झाड़ू लो एंड गिली गिली सहा, सब इसमें अटक जाते हैं। अभी हम मछलियों का घर में भी है तो कुछ डिनर करने के लिए आया था और आप लोग एक चीज दिखा देते हैं, आखिर ये क्या चीज है, क्या लग रहा है, आम नहीं ये है पपाया, पपाया ना आम है, कंफ्यूज हो गया, हम भी कंफ्यूज हो गया था पार्ट्स में देख के कैसा वाला पपाया है। तो आज का हम लोग का डिनर काफी स्पेशल है, क्या है दिखा देते है, जो की है यह लोकल चिकन देख सकते हैं, ये है चीची और देख सकते हैं मासीला घर में आज हम लोग कौन कौन है, तो जिसे आदि से हम लोग मयंग बोलते हैं पर है या है। वार से आ रहे हैं। और वहाँ पर है मेरा सबसे बड़ा वाला भैया और वो है मैं जो कि बोतल सप्लाई कर रहा है अभी पानी। और ये है अपना टोनी वेंचर, ये है अपना हैंडसम मुंडा, सोहो का खाना खा लेता है इसके बाद में, जिससे मासीला का घर से भी आ चुके डिनर करके, तो आज तो बहुत ही थक गया लेकिन खाया भी उतना ही ज्यादा है क्योंकि आज था लोकल मुर्गी जो कि शायद सालों बाद खा रहे हम दोबारा से, मासी के घर में आखिर क्या चीज खाने को नहीं मिलता है, उस दिन में तारू खाने को मिला है आज लोकल चिकन खाने को मिल गया। इस वीडियो में जिसके हम बहुत काम भी गया तो बहुत थक भी गया, तो अभी एडिटिंग करके सोना पड़ेगा और देख सकते यहाँ पर टोनी वेंचर पानी भरने के लिए। सर आज का डिनर एकदम A1 फर्स्ट क्लास था, थैंक यू मोयम आज का स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए और भगवान को भी शुक्रिया बहुत बहुत आज का खाना को हम सभी परिवार को एक साथ टाइम निकाल देने के लिए, एंड आप सभी का भी शुक्रिया, आप सभी ब्लेस्ड रहे हमारी तरफ से प्रार्थना है, सो वंस अगेन थैंक यू सभी को। कि आज बहुत थक भी गया था एडिटिंग करके हमको सोना पड़ेगा, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।